गोवर्धन के गांव पाली के लोग जल भराव के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत पाली गांव का है, जहां गांव के अंदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी है। यहां ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूल के बच्चे भी इसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं। आप इस वीडियो में देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, मगर गांव प्रधान है इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कि कई महीनों से मुख्य मार्ग बनी नालियों की सफाई न होने के कारण जलभराव की समस्या को देखते ही लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीण द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जब मीडिया की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोकर मीडिया को बताया कि हमारे बच्चे इस गंदे पानी से स्कूल जाते हैं, हमें 24 घंटे बीमारी होने की आशंका सताती है। अगर गाँव में इस गंदगी की वजह से कोई बीमारी फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या गाँव प्रधान? या तो वक्त ही बताएगा। अब देखना है कि आप प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं, पर या फिर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर ही रहेंगे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। भाई क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र। कौन सा गांव है? इसी गांव का। कौन सा गांव है? पाली गांव। पाली, क्या स्थिति है जलभराव को लेकर? क्या जलभराव आप देख रहे हैं, उसमें बताने की जरूरत क्या है? जो आंखों के सामने प्रमाण है उसकी। कब से है ये? तो हो गया कम से कम 3-4 दिन। अभी कोई बारिश भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पानी भरा हुआ है। गांव का पानी है ये, तो घरों का पानी है खाली। तो मेन कारण क्या है? तो बारिश में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मेन कारण क्या है जलभराव का? मेन कारण ये है कि ये नाला रुका हुआ है, इसको प्रधान ही करवा सकता है। तो आप ग्राम पंचायत प्रधान से किसी बोलते नहीं है? बोलते हैं, ऐसी बात तो नहीं, हर आदमी कहता है, सुनवाई नहीं होती है। मथुरा में लोग